हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज तक जूनियर सीनियर से आप लोगों ने बहुत सारे एनिमल्स ड्राइंग किए हैं, जैसे कि रैबिट, एलिफेंट, स्नेक, जिराफ। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू वन न्यू एनिमल एंड दैट इज लायन। ओके, एनिमल ड्राइंग लायन। थोड़ा सा फनी एनिमल कार्टून स्टाइल में हम लोग कैसे करने वाले हैं वो मैं आज आपको यहाँ पे दिखाने वाली हूँ। सी इन द बुक, आर्ट एंड क्राफ्ट के बुक में पेज नंबर 14 पे जो टॉपिक है वो अभी आपको देखना है। सो लेट स्टार्ट अवर टॉपिक नाउ। ओके, सी यू कैन सी हियर वन पेज इज देयर एनिमल ड्राइंग, ड्रॉ एंड कलर लायन एज गिवन बिलो। ओके, सी छोटा एनिमल यहाँ पे बड़े स्टाइल में ड्राइंग करना है पेंसिल से। आई शो यू विद द पेंसिल। फर्स्ट यू हैव टू मेक रेक्टेंगल शेप, लाइक लीफ शेप, रेक्टेंगल शेप। ओके, सी फर्स्ट यहाँ पे फेस का बेसिक ड्राइंग करके लेना है, रेक्टेंगल और ओवल शेप में। उसका फेस ओवल शेप, डाउन रेक्टेंगल शेप में। ये सब बेसिक पहले पेंसिल से आपको ड्राइंग करके लेना है, फिर उसके ऊपर आपको इसका मेन ड्राइंग कंप्लीट करना है। ये मैंने बेसिक ड्राइंग यहाँ पे किया है, आपको इतना पेंसिल का दिखेगा नहीं। आई विल शो यू विद द ब्लैक स्केच पेन। ओके, देन यू कैन विजिबल। या सी यहाँ पे मैंने ओवल शेप का पहले बेसिक किया था, ऊपर से थोड़ा सा एम शेप है लाइक दिस। आप कार्टून नेटवर्क चैनल देखते होंगे तो उसमें थोड़े से फनी फेसेस होते हैं एनिमल्स के, कोई भी कार्टून कैरेक्टर्स के। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही लायन ड्रॉ कर रहे हैं, एकदम इजी। आपको सेम टू सेम कॉपी करना है। नाउ आईज बोथ द साइड सेम दो लाइन करो और ऊपर से ऐसा उल्टा यू और डी शेप लाइक दिस एंड इनसाइड सर्कल। ओके, नाउ लीफ शेप मैंने किया है, वो उसके हेयर्स हैं, ऐसे अनइवन हेयर्स यू कैन ड्रॉ। सी सेम टू सेम आपको सिर्फ कॉपी करते जाना है, डाउन लाइक दिस बॉडी शेप। ऑलरेडी यहाँ पे मैंने बेसिक ड्राइंग किया था। नाउ लेग्स के लिए यहाँ पे अभी सी कर्व लाइन सी ड्राइंग करेंगे बैक लेग्स के लिए। दोनों लेग्स के बीच में गैप है, लाइन है, सैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन एंड उसका फूट के यहाँ पे उसके नेल्स ऐसे दिखाएंगे। नाउ अगेन सी एंड लाइक दिस स्टैंडिंग लाइन अगेन। हियर ऑल्सो ये कंप्लीट हुआ है अभी हमारा। इसका टेल ड्राइंग करेंगे बैक साइड में, इसका पूंछ एस कैपिटल स्मॉल एस ड्राइंग करना है, अगेन डबल लाइन हियर एंड लीफ का शेप सेम वैसे ही ड्राइंग करना है। सी हम लोग कोई भी ड्राइंग शेप से ही ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक, अब ये कंप्लीट हुआ है हमारा सेम टू सेम। नाउ कलरिंग करेंगे हम लोग। इसके पहले उसका ईयर्स बाकी है, यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, वो डॉट्स भी करने हैं। सी डी शेप दोनों ईयर्स के लिए, इनसाइड ऑल्सो स्मॉल डी एंड फिल इट विथ ब्लैक स्केच पेन। अभी ये कंप्लीट हुआ है हमारा ड्राइंग। आईब्रोज जो छोटी छोटी बातें हैं वो देख के आपको कॉपी करके जानी है ना। अभी ये कलरिंग करेंगे हम लोग। यू कैन यूज़ एनी ऑयल पेस्टल कलर्स, पेंसिल कलर्स
or if you have sketch pens, you can use sketch pens color also, pencil colors also, okay, plastic crayons color also. Now here I'm going to use brown color, dark or light, any one brown color you can use here for his hair. See, यहाँ पे आपको शेडिंग नहीं दिखाया है, बट आई एम गोइंग टू शो यू योर शेडिंग ऑल्सो विथ ब्राउन एंड ऑकर येल्लो कलर मिक्सिंग. ब्राउन एंड ऑकर येल्लो कलर, इफ यू डोंट हैव ऑकर येल्लो कलर देन यू कैन यूज लिटिल वन ऑरेंज कलर ऑल्सो और पिंच कलर ऑल्सो. पिंच कलर मीन्स जो स्किन कलर होता है ना, वो कलर भी आप इसमें थोड़ा मिक्सिंग कर सकते हैं. Mix it properly. See, brown color में अभी ऑकर कलर कैसा मिक्स हो रहा है देखो. फिर वो शेडिंग, कोई भी ड्राइंग आप करोगे तो उसका शेडिंग कलरिंग करोगे तो ज़्यादा अच्छा दिखता है. ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे हेयर्स ऑल्सो सेम दैट कलर. सी, जो लिप का शेप है वो उसका हेयर सभी कंप्लीट हुआ है. हाँ, नाउ बॉडी कलरिंग, स्किन कलरिंग, सॉरी फेस का. फेस के लिए भी हम लोग वही सेम ऑकर येलो कलर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे. यू ऑल्सो डू लाइक दिस स्किन कलर और ऑकर येलो कलर, मिक्स लिटिल येलो कलर इन साइड, मिक्स इट प्रॉपरली एंड मिक्स शेडिंग. ये कंप्लीट हुआ है इसका फेस, नोज बाद में करेंगे, अभी बॉडी. या बॉडी के लिए भी ऑकर येलो और ब्राउन कलर थोड़ा सा हम लोग शेडिंग के लिए यूज करेंगे. जहाँ पे मैंने स्केच पेन से किया है वहाँ पे देखो मैं ब्राउन कलर यूज कर रही हूँ, वो शेडो के लिए. या नाउ मिक्स इनसाइड ऑकर येलो कलर. You can use pinch color also. Mix it properly. अच्छे से mix करना है दोनों colors को, brown and ऑकर येल्लो कलर. Okay? It's very nice now. Now इसके ऊपर यहाँ पर मैं टेक्स्चर दे रही हूँ ब्राउन कलर्स के लाइन्स का. आपकी बुक में नहीं दिखाया है बट मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट टेक्सचर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखता है. ओके, ये टेक्सचर हो गया. नाउ उसका टेल के लिए भी ब्लैक, ब्राउन एंड ऑकर येलो, इससे थ्री कलर्स मिक्सिंग कर रही हूँ मैं. मल्टी कलर यूज़ करना है, मल्टी कलर मीन्स जो भी कलर्स आपके पास अवेलेबल है, विच एवर कलर्स यू हैव दैट कलर्स यू कैन यूज योर मिक्स कलर दैट इज मल्टी कलर. नाउ ऑकर येलो एंड लिटिल ब्लैक कलर फॉर द टेल. सी इनसाइड ऑल्सो उसके दोनों लेग्स के बीच में वहाँ पे शेडो दिखेगा, इसलिए ब्लैक कलर. पैरों के यहाँ पे भी थोड़ा सा ब्लैक कलर, डार्क कलर यूज करेंगे. सी ओवर नाउ इसका टंग रेड कलर है. ये छोटे छोटे पार्ट्स को आप स्केच पेन भी यूज कर सकते हैं. नाउ लिटिल ब्राउन कलर इनसाइड एंड फॉर द नोज ब्लैक और ब्राउन कलर यू कैन यूज डार्क कलर. ब्लैक डार्क कलर लेके थोड़ा सा इसको फिनिशिंग दे दो अच्छे से, ईयर्स को भी थोड़ा सा फिनिशिंग. या अभी ये इनकम्प्लीट है, हम लोग क्या करेंगे और अभी इसको ब्राउन थोड़ा सा हम लोग कलर करेंगे. सी, ये जंगल का राजा है, सो जंगल में ग्रीनरी होती है, सो यू कैन डू हियर लिटिल लाइट ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर और ब्राउन कलर और ग्रे कलर. यू कैन ड्रॉ बिग स्टोन उसके पैरों के नीचे, ड्रॉ
also you can show there. And देखो मैं नीचे से ऊपर से lines खींच रही हूँ. It look like grass. You also can do like this. सामने आप थोड़ा सा light blue color दे के पानी का इफेक्ट भी दिखा सकते हैं. ठीक है, ये अभी हमारा कंप्लीट हुआ है. यू हैव टू डू लाइक दिस लायन. थैंक यू.